मेरी लाइफ की पहली ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जिसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा रूटिंग ऑफ रोना, एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। ये भारत के ही त्रिपुरा राज्य के ऊपर में एक लड़की थी जिसके ब्रेन में यानी दिमाग में पानी रहने की वजह से उसका जो दिमाग है वो बहुत बड़ा हो गया था। उसको लेकर यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। आमतौर पर बच्चों के सर में जो पानी रह जाता है उसको सर्जरी के द्वारा निकाल दिया जाता है, लेकिन क्या होता है कि रूना के जो ये माता पिता हैं इस कपल के पास उतने पैसे नहीं थे कि सर्जरी के पैसे दे पाए, जिस कारण ये जो पानी है वो बाहर नहीं निकल पाता और इससे जो है इसके एक जो डिजीज ये जो बीमारी होती है जिसके रूना का जो सर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब देखो यार, एक बच्ची अब नॉर्मल कंडीशन में पैदा हुई है तो ऑब्वियसली जो आस पड़ोस जो होता है, पड़ोस मैं कहूँ कि यार पड़ोस एक ऐसी बीमारी है जो आप लोगों को डिप्रेशन में डालने या फिर आप लोगों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और ऐसा ही इस डॉक्यूमेंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे जो पड़ोस वाले जो लोग हैं, जो रूना की माँ है उसको बार बार कह रहे थे कि इसको किसी कहीं जगह जाकर छोड़ आओ, तो इतना बार बार सुनने के बाद जो रूना की माँ ने हिम्मत करके अपनी बच्ची को जो पाला, लोगों की सुनने के बावजूद भी अपनी बच्ची के साथ जो खड़ी रही, वो यार काबिलियत तारीफ है। यार काबिलियत तारीफ तो क्या कहूं यार, एक माँ जो है अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। वैसे एक बात तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में जैसे सुंदरता को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि देखो यार जो इंसान सुंदर होता है वो बुरा होता है, यार जो इंसान सुंदर होता है वो अच्छा भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम जो सुंदर नहीं है, जिसकी नॉर्मल शक्ल है, वो क्या बुरा होता है? यार नहीं यार, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये चीज समझने की होती है। अब ये बात क्यों बोल रहा हूँ, देखो यार कि जो समाज के जो लोग होते हैं वो एक तरीके से सुंदरता को प्रायोरिटी देते हैं, वो यही चाहते हैं कि जो सुंदर बच्चा या सुंदर लड़की यहाँ पर आए, कोई अगर अबनॉर्मल जो चीज़ वो उसको किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते, उसको कहीं छोड़ आने की राय देते रहते हैं। ऑब्वियसली चीजें देखने को मिलती हैं और आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिल जाएगा। एक छोटी बच्ची जो अबनॉर्मल कंडीशन में पैदा हुई है, बजाय उसके परिवार को हिम्मत देने के, शक्ति देने के, ये लोग जो है वो यहाँ पर उल्टी बचकानी राय इनके परिवार को देना शुरू कर देते हैं। रूना पर दुनिया की नजर तब पड़ती है जब एक फोटोग्राफर त्रिपुरा के इसी गाँव में आता है और यहाँ पर किसी इसी गाँव का कोई इंसान आकर कहता है कि एक बड़े सर वाली लड़की है, उसकी जाकर फोटो खींचो। तो वो फोटोग्राफर यहाँ जाता है तो इस बच्ची की फोटो खींचता है। जैसे ये फोटो जो है वो मार्केट में जाती है तो बहुत सारे लोग आते हैं इस बच्ची की हेल्प करने के लिए और इस बच्ची का इलाज शुरू होता है गुड़गांव में। देखो यार, बच्चे का जब इलाज शुरू होता है गुड़गांव में तो ऑब्वियसली इसके जो सर है उसका साइज कम कर दिया गया था। अब देखो ये बात बोलना कि यार अब आगे क्या होगा, कि इस बच्ची का सर जो है वो छोटा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसके लिए आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट्री देखनी पड़ेगी। देखो यार ये सब चीजें यार मुझसे नहीं होती क्योंकि एक रियल लाइफ पर बेस्ड, रियल लाइफ बेस्ड के मतलब इसके अंदर जो लोग दिखाए गए वो रियल हैं, कोई इसके अंदर कोई एक्टिंग नहीं कर रहा। तो यहाँ पर किसी ऐसे इंसान का मैं ये कहूँ कि यार हाँ अब आप जाके ये डॉक्यूमेंट्री देखो, ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। जो इसके लास्ट में हुआ मैं ये बताना चाहूँगा कि यार ये जो बच्ची है वो लास्ट में मतलब रह नहीं पा, मतलब क्या कहूँ यार, वो मर जाती है, उसकी मौत हो जाती है। अब कहो कि यार स्पॉइलर खराब कर दिए, कोई यार स्पॉइलर नहीं है, कोई मूवी नहीं है, आप लोग इसमें एंटरटेनमेंट ढूंढने जाओ और कहो कि यार इसमें तुमने मेरा एक स्पॉइलर खराब कर दिया, मैं इस डॉक्यूमेंट्री को कैसे देखूँ। डॉक्यूमेंट्री है, कोई मूवी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखी जाती ये चीज़ें। छोटी बच्ची जो बचपन में ही पांच पांच ऑपरेशन झेलती है, यार हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी कि वो बच्ची पांच पांच ऑपरेशन झेल जाती है और उसके माँ बाप भी उस बच्ची को संभालते हैं बावजूद इसके कि भी लोग उनको बहुत ज़्यादा ये कहते हैं कि इसको कहीं छोड़ आओ, तुम इसके छोड़ दो। मैं आप लोगों को रिकमेंडेड जरूर करने वाला हूँ जाकर यार ये डॉक्यूमेंट्री आप लोग देखें। और वैसे भी इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद ये कहीं ना कहीं फील होता है कि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है, बहुत सारी चीज़ें डेवलप करने की जरूरत है। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।